गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वांशु चैटर्जी, प्रोवेदा का नेशनल ट्रेनिंग हेड। और स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे एक वेलनेस का बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेके, जिसका नाम है प्रोबेरी। दोस्तों, प्रोबेरी के ऊपर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले ये जानकारी आपके लिए जरूरी होता है, जो प्रोबेरी होता है ये इंडिया में शायद पहली बार 174 बेरी के संमिश्रण से तैयार होता है। और 174 बेरी रहने का कारण, बेरी जो होता है बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट होने का कारण ये आपके शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है और आपका शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, आइए चलते हैं बेरी के बारे में थोड़ा सा बात करें। बेरी जो होता है ये बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, जिसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं BAC। ये बायोएक्टिव कंपाउंड होने के कारण ये अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का कारण ये अपने शरीर में बढ़ता हुआ फ्री रेडिकल्स का जो हानिकारक इफेक्ट होता है उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, बेरी जो प्रोडक्ट है, प्रोबेरी जो प्रोडक्ट है अपने पास, वो प्रोबेरी का जो ओराक वैल्यू होता है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जितना पावरफुल होता है उस पावरफुल एक्शन को ओराक वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। तो ओराक का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, ये अपने बेरी का सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, ओराक वैल्यू के हिसाब से प्रोबेरी को देखा जाए तो प्रोबेरी का ओराक वैल्यू है अराउंड 1,27,000 पर 100 ml में। दोस्तों, ये तो गया उसके अंदर में क्या है और कितना ओराक वैल्यू है प्रोबेरी के अंदर में, उसके बारे में बात किया। बट दोस्तों, इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको? दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इस प्रोडक्ट का फ़ायदा बहुत सारे हैं, और जो फ़ायदा के बारे में हम लोग बात करेंगे वो फ़ायदा ऐसे है कि प्रोबेरी इस्तेमाल करने से सबसे पहले जो होता है ये अपने शरीर में एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। उसके बाद देखा जाए ये अपना कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करते हैं। ये एंटी कैंसर होता है, फ्री रेडिकल्स कम होने से एंटी कैंसर ये होता ही है, नेचुरल प्रोसेस है। ये अपने शरीर में ब्रेन को, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हार्ट के लिए किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हार्ट का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स, वो हार्ट को बार बार डैमेज करने का कोशिश करता है। बेरी सच ए पावरफुल प्रोडक्ट, आपका हार्ट डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद बेरी जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है, जो आपके हार्ट के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरीका से देखा जाए कि बेरी आपको सर से लेकर पैर तक हर ऑर्गन के ऊपर बेरी काम करते हैं। बेरी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये आपका स्किन को बेटर करेंगे। तो दोस्तों, आपका स्किन को ग्लो चाहिए, स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, तो प्रोबेरी इस परफेक्ट प्रोडक्ट है जो आपको स्किन को हेल्प करते हैं। नाउ दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट भरपूर है इस प्रोडक्ट के अंदर में, सभी लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोजेस है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनका डोज जो है ये 30 ml, जो ऑलरेडी बीमार है उनके लिए दिन में दो बार। मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, कोई पैरालिटिक पेशेंट है, इस तरह का पेशेंट जो है उनको सपोर्ट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उनके लिए दिन में दो बार 30 ml करके दिन में दो बार खाना खाने के आधा घंटा पहले इसको लेना पड़ेगा। बट नॉर्मल इंसान जो हम लोग है, काम कर रहे हैं, रेगुलर दौड़ भाग कर रहे हैं, उनके लिए प्रोबेरी सपोर्ट के रूप में काम करेंगे और अपने बॉडी को एनर्जाइज करेंगे। तो इनका जो डोज होगा वो 30 ml वंस अ डे। 30 ml वंस अ डे का मतलब है कि 30,000 ओराक वैल्यू आपके शरीर में जा रहा है। तो जो आपके शरीर के अंदर में फ्री रेडिकल्स है, 30,000 फ्री रेडिकल्स को ये कंट्रोल कर पाते हैं। सो दोस्तों, वंस अ डे 30 ml फॉर नॉर्मल एम्बुलेटरी इंसान के लिए जो घूम फिर रहा है उनके लिए है, और जो लोग बीमार ऑलरेडी है सपोर्ट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट देना चाहता है वो 30 ml दिन में दो बार लेना पड़ेगा खाना खाने के आधा घंटा पहले। दोस्तों, सभी के लिए क्या प्रोबेरी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। 12 साल के नीचे वाला बच्चे को प्रोबेरी नहीं देना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशली जिनको किडनी फेल्योर है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, उनके लिए प्रोबेरी नहीं चाहिए। सो प्रोबेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंसान को ये प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके माध्यम से उनके शरीर का फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल किया जाएगा और बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।